राम अच्छा बाबूजी बाबा हम गायक रमेश यादव ग्राम परीक्षा पोस्ट जखनिया जिला गाजीपुर और बड़े भाई जेपी यादव उर्फ रिंकू अंश यादव और हमारे बड़े भाई जयप्रकाश यादव बहरियाबाद इन लोगों के सौजन्य से अपने एमडी म्यूजिक चैनल बुरहानपुर गाजीपुर छोटे भाई अजीत यादव के देखरेख में एक हृदय विदारक घटना एक शहीदी बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी। बिरहा ना ई ओ जवान के प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत बा, भरोसा बा कि आप लोग पसंद करेंगे। बिरहा के अंदर चार लाइन भूमिका लिखलन हो जवानन बदे, जवन जवान हमारे देश के आन बान शान स्वाभिमान के लिए सरहदे हिंद पर बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, ड्यूटी देते हैं। भूमिका के लाइन में कहना है मास्टर, सरहदे हिंद पर जो लुटा दे शहादती उन्हीं की अमर गीत गाता जमाना, हर कर्म है वतन सत्य निष्ठा धर्म, सोच करनी प्रयासु बहाता जमाना, सर कफन बाध कर चढ़ते बलबेदी परी उनकी गाथा नहीं भूल पाता जमाना, कभी बाबू राम श्याम लाल करते नमन दुख में श्रद्धा सुमन को चढ़ाता जमाना। कभी बाबू राम श्याम लाल करते नमन दुख में श्रद्धा सुमन को चढ़ाता जमाना। ए भैया बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का अंदाज लगल हो मास्टर, मास्टर हमारे संकेत खेलन है गजल का लाइन वह हो कौन करे कहां पे काशी में नजारा है, ए भैया इतना गजल का अंदाज रहल लेकिन उन वीरों के शहादत की एक गाथा है। कवि जी बड़ा सुंदर लाइन गजल के भाव में लिखलन है मास्टर, का लिखलन करे वीरों की अरे शहादत को गाता यह जमाना है, यह तराना है। ए बाबू
वीरों की शहादत को गाता यह जमाना है, इतिहास के पन्नों में गूंजता यह तराना है। यहीं से बिरहा का शुरुआत लगल हो मास्टर, सर के माध्यम से लिखे पड़ल। वही के सिया राम यादव की है गृहस्थी, पत्नी दुलारी देवी चार सुगनवा सुंदरी, पत्नी दुलारी देवी चार सुगनवा सुंदर, मंजू बिटिया रहली घर के अंगन वायंदर, चार बेटों में बल की सुन वो नहार रहा, चार बेटों में बल की सुन वो नहार रहा, देश की सेवा करूंगा मन में विचार रहा। ए बाबू कहानी के आप लोग समझला, प्रांत उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के सादात थाना के अंतर्गत बाबू से एक गांव बतावल गई, जौने गांव का नाम इटवा रामपुर बताया गया, ग्राम इटवा रामपुर पोस्ट खिदिरगंज बाबूजी, वही इटवा गांव का रहे वाला जेकर नाम सिया राम यादव बतावल गई, पत्नी का नाम दुलारी देवी। ए बाबू खेती बाड़ी किसानी गृहस्थी करके परिवार का पालन पोषण होत हो, मालिक चार गो औलाद देहलन, बड़े बेटे का नाम कन्हैया यादव और जो दूसरे नंबर पे बाल किशुन यादव बाबूजी, तीसरे बेटे का नाम राम किशुन यादव बतावल गई, सबसे छोटे वाले बेटे का नाम कमलेश यादव बताया गया। ए बाबू एक ही बिटिया है, बिटिया का नाम बड़ा प्यार दुलार के साथ लोग मंजू नाम रख दिलन। ए बाबू गृहस्थी किसानी करके सियाराम अपने परिवार का पालन पोषण करत हुन, धीरे धीरे समय बीते लागल हो बाबू। इधर बड़ा बेटा कन्हैया लाल यादव धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई किया है बाबूजी, देखलन कि परिवार का खर्चा ज्यादा बा, अगर चल के बहरे कुछ रुपया पैसा न कमाई तो परिवार के जीविका बढ़िया से नहीं चली। ए भैया यही बात की सोच के कन्हैया यादव जा करके बॉम्बे में और काम धंधा करे लगलन, रुपया पैसा कमाए लगलन, घरे भेजे लगलन। हो बाबू खुशी का ठिकाना नहीं है, सब लोग अमन चैन की जिंदगी जियत हूँ, लेकिन दूसरे नंबर का बेटा जो है जिसका नाम बाल किशुन बताया गया। ए बाबू बाल किशुन यादव के बचपना से देश के सिपाही बनले का ख्वाब रहल, हमेशा अपने माई बाबू से यह कह कि ये माई हम जोन बा देश के सिपाही बनल चाहत है। माई बाबू मना करते हैं कि अरे बेटा पहले बढ़िया से पढ़ लिखला बेटा, जो नसीब में हो तो होई, लेकिन मेहनत परिश्रम करने लगा बाबूजी, पढ़ाई लिखाई करने लगे बाल किशुन यादव जी। धीरे धीरे इंटरमीडिएट जब पास कैलन हाँ तैयारी करने लगे, भर्ती देखत हुअन, धीरे धीरे दो तीन भर्ती देखलन, लेकिन सफलता नहीं मिलल। माई बाबू एक दिन समझाओ थोन के रे बेटा बाल किशुन परिवार का खर्चा लंबा हो बेटा, अकेला कन्हैया कितना पैसा कमाई, ए बेटा बुझात बा
कि नौकरी नसीब में नहीं हो तो ये बेटा तू जाके बामे में भैया के अपने साथे कोनो छोटे मोटे काम के रुपया पैसा कमेबा पैसा भेजबा तो जोन बाप परिवार के बढ़िया से जीविका चल चली। ए बाबू इतना बतिया जब सुनलन हो बाल किशुन देखे उस जवान का हौसला क्या है अपने माई बाबू से कहत होन का करन मास्टर एक गीत लग गई ए भैया मास्टर साहब हमरे है कि संकेत कैलन कौन तर्ज है साची के नाच देखे गैला बरात में ए भैया इतना तर्ज रहल लेकिन विराह के अंदर वहां पर जरा गौर करेंगे उपाल किशुन यादव अपने माई बाबू के समझावत हो यह समझावत हो रे ए माई मेहनत कबो या सफल ना होले और एक ना एक दिन आई तोर बाल किशुन बेटा वर्दी में जब आई न माई तोहरो करेजा देख के गदगद हो जाई यह कहत हो अपने दिल के तमन्ना बता रहल बाड़न का माई बाबू से कहे माना कहनवा इसका सिपाही बन पे बायर मनावा लाख मना करने के बाद भी वह बाल की सुनिया तो तैयारी करे लगलन दौड़ धूप लगावत होन हो बाबू काफी शानदार है होनहार है देखे धीरे धीरे आखिरकार वांट निकला वांट को भर दिए परीक्षा पास किए मेडिकल पास हुआ बाबूजी आखिरकार मालिक सुन लेलन और फौज में भर्ती हो जाते हैं तो भाव लिखना पड़ा क्या 2007 वाली आयल संभलिया ए बाबू आखिरकार सन 2007 में आखिरकार अपने मेहनत परिश्रम के बल पर वह बाल किशुन यादव फौज में भर्ती हो जाते हैं बाबू ए भैया आखिरकार फौज में जब भर्ती हो गई लन ट्रेनिंग में अपने गहल हुन ए बाबू धीरे धीरे वह बाल किशुन यादव ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद छुट्टी पर जवान घर आता है घरे जब वैलन हो बाबू जाए के माई के पैर जब छूलन माई बाबू का वर्दी में जब देखलन माई बाबू करे जा गदगद हो गयल माई कहत हिन कि अरे बाल किशुन आखिरकार बेटा अपन वाली कैया लेला ए बाबू पूरे परिवार के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं हो धीरे धीरे
छुट्टी बीतल हो बाबू, अब जोन बा ड्यूटी लगल हो, ड्यूटी लगल बा ला। पहली पोस्टिंग उनके बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप किरकी में लगी है। जवान माई बाबू का आशीर्वाद लेके और वहां के बयान कैलन है। यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। ए भैया तराजू है बा, कोनो मरद के मेहरारू मेला जाए के जिद करत बा, लेकिन वो मर्दा अपने मेहरारुआ के समझावत दे, ये समझौले है काम। नया नवर या भी कन्या बाडू, अरे मेला जाए के कहीं जिद करता रू, गौर करेंगे। अरे छुट्टी बिता के पयनवा कैले, पहली पोस्टिंग लगल बा पूरे शहर में किरकी नगर में। वही जवान पाल की सुन यादव बाबूजी बड़े वफादारी से और अपनी ड्यूटी के निभावत हुन, लेकिन देखें धीरे धीरे जब समय बीतल हो अब वहाँ से ड्यूटी चेंज होके दूसरे जगह लगल हो बाबा, तो भाव लिखे के पड़ल नागालैंड बंगलौर दिल्ली से ले। जम्मू कश्मीर में तैनात भइले, अरे रीमा का नागर सजनवा भइले,
ए बाबू उनकी पोस्टिंग फिर पुणे नागालैंड में होती है और दिल्ली में लगी है ड्यूटी, इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में लगती है बाबू। इसके बाद जवान बाल किशन यादव छुट्टी पर घर आते हैं, इधर तिलकहरू दौरे लगलन हो बाबू। माई बाबू सोचत हो कि बढ़िया लड़की देख के बाल किशन के भी शादी ब्याह कर दिल जाए, लेकिन बाल किशन यादव यह कलन की ना हमारे कही बहन बाप मंजू, पहले मंजू के शादी हो जाए, एकरे बाद हमार शादी हुई। ए बाबू 2014 में अपने मंजू बहन की शादी बाबूजी बड़े धूमधाम से करते हैं। शादी बिताने के बाद पुनः जवान फिर ड्यूटी पर चले जाते हैं, एकरे बाद फिर छुट्टी एलन हो बाबू, इधर रिश्ता तय होता है। बतावल गई 9 मार्च सन 2015 को एक रीमा नामक लड़की से, जो जिला गाजीपुर के निंदीपुर सैदपुर में रिश्ता तय होता है। ए भैया शादी के दिन पड़ गया, दोनों तरफ खुशी का ठिकाना नहीं बा, दोनों तरफ धूमधाम से तैयारी होती है। भैया आखिरकार शादी के दिन आ गए, बरात सजा के लेके पहुंचलन है, द्वार पूजा भइल, शादी भइल, सारी रस्म पूरा करने के बाद सुबह विदाई करा के बाबू रीमा दुल्हन को और घर पर लाते हैं। खुशी का ठिकाना ना बाहो बाबू, धीरे धीरे इसके बाद पुनः फिर छुट्टी बीती है, जवान ड्यूटी करने लगा। ए बाबू बीच में कई बार छुट्टी अलन गईलन, इसके बाद मालिक भी सुनलन, गोद में दूठे औलाद भइलन। एक बेटवा का नाम श्रेयांश जो भी 4 का है बाबू, दूसरे बेटवा का नाम देवेंद्र बतावल गए जो भी 2 का है। आखिरकार बाबूजी इसके बाद वहां से समय आ गई 2019 का। सन 2019 में बालकिशन यादव की ड्यूटी यूनिट 116 बॉम्बे इंजीनियरिंग अमृतसर में 6 के लिए लगाई जाती है। वहां से जवान घर आता है और यहां से फिर तैयारी अमृतसर के कैलन हो बाबू। ए भैया प्रमाण मिलता है कि 10 अक्टूबर सन 2019 को अपने ड्यूटी पर अमृतसर पहुंच जाते हैं। भैया बाबू हो देखें जाकर के वही ड्यूटी करने लगे, इतने में बाबू हो उनकी तबीयत बिगड़ती है। तबीयत खराब भइल, कुछ जवान बाल किशन यादव को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, दवा उपचार होने लगा, लेकिन धीरे धीरे 1-2 बीतल हो बाबू स्थिति में सुधार नहीं आया। ए भैया स्थिति में सुधार नहीं आयल, वहां के डॉक्टर वहां से रेफर करते हैं आर हॉस्पिटल दिल्ली में। उनको लेकर के लोग दिल्ली में आते हैं बाबूजी, यहां पर दवा उपचार शुरू हो गई। ए बाबू धीरे धीरे जब जांच आई है, जांच में जोन बा भयंकर बीमारी, गंभीर बीमारी, डॉक्टर साहब उनके छोटे भाई कमलेश को बुला करके और कहते हैं कि देखिए इनको कैंसर की बीमारी है। इतना बात जब छोटे भाई कमलेश यादव सुनते हैं अवाक रह जाते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार डॉक्टर साहब देखिए जितना रुपया पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमरे भैया का जान आप बचा ला। सब लोग जाने ला कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होलन। ए बाबू डॉक्टर साहब धीरज बधावत हुन कि आप लोग एडमिट कर दीजिए, दवा उपचार होगा, हम भरोसा दिलाते हैं कि ए बाल किशन स्वस्थ हो जाएंगे। ए बाबू एडमिट हो गईलन, दवाई सुईल होखे लागल, लेकिन यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। कोरी कहाँ दरिया सासु दहिया रे जमावली, कि कोरी कहाँ दरिया सासु दहिया रे जमावली, आया मरी तनावली छोरा नवा राधा हो गाधा मन मोहे।
लेकिन विरह के अंदर कवि जी भाव लिखलन का लिखलन कि करत रहलन ड्यूटी उनकर बिगड़ल हलतिया कि करत रहलन ड्यूटी उनकर बिगड़ल हलतिया अब भरती अस्पताल वही में चाई भइल हो खूब दवाई भइली कैंसर का बीमारी अपाई के खबर री मा कैली तैयारी अब बचवन के लेके लगे दाई गईली वो खूब दवाई भइली ए बाबू आर आर हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार होखे लागल हो बाबू धीरे धीरे समय बीतल है बाबूजी वही हॉस्पिटल में छोटा भाई कमलेश देख रेख कर रहा है लेकिन बाबू हो इसके बाद उनके दुल्हन रीमा और उनके दोनों बेटवा श्रेयांश और देवेंद्र को भी वहां ले गए वही दवा उपचार चलत बा सेवा सत्कार रीमा करत हैं ए बाबू लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार आवे लगल सब लोग के दिल में खुशी आई लेकिन बुझाता कि अब बालकिशुन ठीक हो जाए लेकिन भैया बाबू है मालिक का बगिया है अभी हम चल रहे हैं आगे क्या होगा इसे कोई नहीं जानता बाबू हो देखा होई वह जवन मालिक के मंजूर हुई धीरे धीरे समय बीते लागल सब लोग यही सोचो थे उनके बहुत जल्द स्वस्थ हो के बालकिशुन घरे आ जाए लेकिन थोड़ा सा यहाँ भाव हो कैसे मास्टर ए भैया विरह के अंदर कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखलन हो का लिखलन रूठी है विधाता जैसे रूठी है विधाता जैसे कोई का बचाई हो रूठी है विधाता हॉस्पिटल दिल्ली में सब लोग वही हुवन उपचार चलत हो स्थिति में बहुत सुधार काफी सुधार आयल बा बालकिशुन भी सबके सांत्वना देत हो कि अब हम स्वस्थ हो जाई ठीक हो जाई लेकिन बाबू हो धीरे धीरे समय बीतत हो चार महीना का बिताली समय
सुगना बंद भैल नजरिया सुगना चालल पराई हो बाबू। आखिरकार स्थिति में बहुत सुधार आ गई। डॉक्टर से आप भी बोलत हुन कि अब आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। ए भैया, लेकिन धीरे धीरे समय आ गई। 4 मई सन 2020 दिन सोमवार के दिन आयल है। ए बाबू, सुबह के टाइम बाल किशोर नाश्ता उस्ता कैल न। धीरे धीरे दिन बड़ा खुशहाली से बीतल बाबू, लेकिन धीरे धीरे जब 4 तबीयत उनकर थोड़ा सीरियस होखे लागल। कमलेश छोटा भाई भाग करके आनंद थानन में डॉक्टर साहब के पास गईलन और डॉक्टर साहब से कलन करे, डॉक्टर साहब बालकिशोर भैया के तबीयत कुछ गड़बड़ लगत छ। डॉक्टर साहब तुरंत फौरन वहां पर आए और देखते हैं और तुरंत ले जाकर के बाबूजी अंदर और उनका उपचार लोग शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब घबराहट में उनके आखिर होगा क्या मालूम तो पड़ा था कि अब बालकिशोर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सब कुछ चेकअप के लिए उनका सैंपल भेजा गया बाबू, लेकिन धीरे धीरे भैया बाबू हो सायं 5 आखिरकार डॉक्टर साहब का दवा नहीं काम कैलल हो बाबू। आखिरकार उनका देहांत हो जाता है। ए बाबू, रूम के अंदर केवल छोटा भाई कमलेश और डॉक्टर साहब हूँ। ए भैया, जब इस दुनिया को अलविदा कह गए, सफेद चादर ओढ़ाए के और रूम का दरवाजा खोलल गई, छोटा भाई कमलेश के आंखों में आंसू है, डॉक्टर साहब के भी आंखों में आंसू आ जाता है। ए बाबू, डॉक्टर साहब बाहर निकल के गईलन हो। इधर जब काने भनक लगल उनके पत्नी रीमा के, छाती पीट पीट रोवे लगलिन। ए बाबू बाहर के जाके अपने पति बाल किशोर के चेहरा के उघार के दिखत हिन हो बाबू, बेहोश होकर के गिर पड़लिन। छोटा भाई कमलेश समझाओ थोन के, अरे भाभी भाभी मत रोवा भाभी, अभी भैया हमारे ठीक होन। लेकिन आखिर कैसे दिल में धीरज रखे। होश में आते यही कहती है कि आप कह रहे हैं कि भैया हमारे ठीक हुआ, लेकिन सफेद चादर कहे ओढ़ाओल हो। लेकिन भैया बाबू हो, आखिरकार रो रो करके छोटा भाई जब कमलेश जब वो अपने भाभी से बतौलन हो, ए बाबू वही मूर्छित हो करके गिर पड़लिन हो। होश में लैलन, लेकिन रो रो करके उस दिवंगत आत्मा से यही सवाल कर रही है। कहा सवाल करती मास्टर, यही कहते का किरे रोवली, किरे रोवली यारवा के फार हो माया नावा। स्वामी जी एक बार कम से कम, स्वामी जी एक बार आ खोल के दोनों बेटवन के देखला, दोनों बेटवा रोवत हुन, तुहार छोटा भाई कमलेश रोवत हुन। अरे पति देव, एक बार है अपने अर्धांगनी से कुछ तो कह दिले होता। यही कहती है क्या श्रेयान सत्यवेदी रोवे देखा अखिया खोली।
और रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन सब लोग समझावत बुझावत हो बाबू, आखिरकार एम्बुलेंस में उस शहीद की लाश को लेकर के बाबूजी, उस जवान बालकिशन की लाश को लेकर के और उनके पैतृक गांव इटावा रामपुर पोस्ट खिदिरगंज जिला गाजीपुर में लोग लेकर के अइलन हो बाबू। जैसे दुआरे लाश लेके पहुंचलन हो बाबू, बहुत सारा जनसैलाब लोगों का उमड़ा है ए बाबू। लेकिन उनकर माता जी दुलारी देवी जाके जब अपने लाल का चेहरा देखलिन हो बाबू, दहाड़ा मार के रोवे लगलिन। एक तरफ बाबू रोवत हुन इहे ना, एक तरफ बाबू जी बहन मंजूर हो रही है, तीनों भाई रोवत हुन। जितना लोग जुटे हैं सभी लोगों के आंखों में आंसू है। लेकिन एक बात और अपने मन में यही सोचती है और रीमा दुल्हन का सोचत है मास्टर टेरे से भाव लग गई। अरे सजनवा, अरे सजनवा छोड़ के गई ना कहवा, अरे सजनवा छोड़ के गई ना हो सजनवा छोड़ के गई ना कहवा, कि धूल में मिलल सजावल दिल के खुलियर मनवा, अरे यार मनवा यार यार मनवा। धूल में मिलल सजावल दिल के कुल अरमनवा, सजनवा छोड़ के गईला कहवा। ए बाबू यही कहती है कि अरे पति देव अपने ही बेटा श्रेयांश और देवेंद्र पर बड़ा नाच करतला, ये करतला कि जितना रुपया पैसा लगी हम पढ़ा लिखा करके बहुत बढ़िया नौकरी दिलाई, लेकिन आज सगरो अरमान अधूरा के देहला। ए बाबू लेकिन देखा होगा वही जो मंजीर खुदा होगा। पापक में भाव लगल मास्टर, कोई मिटाई आंसू बताई हा, गांव नगर के लोग रहे समझाई आस बधाई हा। साथे रोम माता दुलारी हा, केरे तीनों भाई साथ में मंजू रोम बहिन तब प्यारी हा, केरे राखी करिश्ता गईला ठुकराई आस बधाई हा। अरे इटवा रामपुर मातम गईला छाई आस बधाई हा। बाबू तीनों भाई रोवत हुन, पिता श्री रोवत हुन, माई रोवत थी। ए बाबू सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। इधर बहिनिया रोवत हो कि अरे भैया साल भर में एक ठे त्योहार रक्षा बंधन कावत रल, ए भैया बड़ा निक लगत रल जब माथे पर तिलक लगा के कलाई में राखी बांधत रली, आखिर ए भैया आखिर हम रक्षा बंधन के बांधब भैया। ए बाबू सभी लोग समझावत बुझावत हुन, लेकिन देखें सभी लोगों के आंखों में आंसू है। यही आलास भाव लिखे के प्रण मास्टर, किरे है राम किरे चकरे करम में जवन, अरे हाई लिखल दुनिया में बाबू, कोई ना मिटाई निश्चित हुई वो नहीं।
सजल बाचना जाऊ पैतृक से बाबू लसिया उठा के आयल गंगा जी के तिरवा बाबू शायद पौर जौर गंज घट के मझारी ए बाबू आखिरकार सब लोग समझावत बुझावत हुन बाबू लेकिन रीति रिवाज के अनुसार बाबू उस लाश को सजा धजा करके कफन दफन दे करके बाबू जब कंधा दे थोन हो बाबू सभी लोग एक बार फफक करके रो पड़ते हैं बाबू रोत थोन के रे लाल भरती बहिला तो हमन के बड़ा सुख मिलल आखिरकार बाबू जी ये भी प्रमाण मिलता है कि उनके पिताजी पहले दूध का कारोबार करते थे लेकिन जब जैसे नौकरी मिली पैसा कमाने लगे बालकिशन बाबू जी यही मन में सोचे कि हमारे पिताजी हम लोगों के लिए अथक परिश्रम किए तो भीमा पार बाजार में एक ऑटो पार्ट की दुकान खुलवा करके वही आराम की नौकरी दे देते हैं। ए बाबू यह है बाबू कहतोन करे बेटा आज सबसे बड़ा दुनिया का कोनो अगर बोझ हो तो बूढ़ा बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश ए बेटा ए उम्र में तो तोहके डूबे के चाहिए लेकिन आज हमके डुआवत हुआ ए बाबू आखिरकार लाश को लेके लोग चलल होन नारा के साथ कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाल किशुन का अमर नाम रहेगा ए भैया लाश के लेके जोनबा लोग पहुंचल हुन सैदपुर जौहर गंज घाट पर श्मशान घाट पे वही चिता पर लाश सजाए के मुखाग्नि दिवे चलन ओ समय के भाव कवि जी लिखलन कैसे बाबू वही घाट पे लोग रीति रिवाज के अनुसार मुखाग्नि देते हैं पिताजी और लोग पंच तत्व में मिलिन कैलन ए भैया विरह के माध्यम से हम उस दिवंगत आत्मा को मालिक से यही प्रार्थना करेंगे वह आत्मा कहीं भी हो उस आत्मा को शांति प्रदान हो यही से विरह का लास्ट लाइन लिखे पड़ल गुरु बिहारी लगन देव की राम फिर जीव सुधारी बाबू राम कवि श्याम लाल मुन्ना की सोर से चै फुलवारी के रे सजनवा छड़ के गईला कहवा जो